मानस में एक चौपाई है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। मतलब प्रभु श्री राम की कृपा जिन पर हो गई, उस पर सबकी कृपा बनी रहती है, और प्रभु की कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य मिलता है उनकी जन्मभूमि अयोध्या जी में। सुबह के बज रहे हैं 8 और निकल रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ अयोध्या धाम के लिए, और फर्स्ट टाइम है ये अपनी जर्नी फैमिली के साथ। मैं भी राम मंदिर बनने के बाद फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है दर्शन और कैसी कैसी क्या क्या सुविधाएं हैं, सब चीज़ जानेंगे और करेंगे बढ़िया से दर्शन। तो राजा रामचंद्र जी का नाम लेते हुए चलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम मंदिर अयोध्या जाने के लिए मेरे होम टाउन से लगभग 250 किलोमीटर का सफर था और मैं अपनी कार से ही पहुंच रहा था, लेकिन चूंकि अयोध्या में रेलवे स्टेशन और कई सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट भी है, तो यहां पहुंचना वैसे भी काफी आसान हो जाता है। दिल्ली से अयोध्या बाई रोड लगभग 700 किलोमीटर का सफर होता है, जिसे 12 से 15 घंटे में भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन से यहां पहुंचना सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम होता है। लगभग 6 घंटे के सफर के बाद पहुंच चुका हूं मैं अयोध्या धाम में, और अभी अपने होटल पे आ चुका हूं। थोड़ी धूप है अभी यहाँ पर, और शाम जैसे ही होगी तो पहुँचेंगे राम की पैड़ी पर, और भी देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। मेरा जो होटल है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अंदर से रूम वगैरह भी सब चीज़ दिखाऊंगा, बस वीडियो में आप लोग बने रहना। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला होता है, इसलिए पूरे दिन आप कभी भी यहाँ जा सकते हैं। लेकिन फैमिली के साथ आया था तो भीड़ भाड़ और दोपहर की गर्मी से बचने के लिए लोकल्स ने अगले दिन सुबह मंदिर जाने की सलाह दी। शाम का वक्त होता है अयोध्या जी में राम की पैड़ी पर जाने का, जहाँ पर सरयू नदी में बढ़िया सी आरती भी होती है, तो आरती भी देखेंगे और वहाँ पे साउंड एंड लाइट शो वगैरह भी है। कार से अयोध्या धाम में मैप की मदद से घूमना काफी आसान हो जाता है, लेकिन पार्किंग और ट्रैफिक का इशू भी आता है, जिसका सॉल्यूशन भी हम आगे जानेंगे। राम की पैड़ी पर कार घाट के बिल्कुल करीब नहीं जाती, तो आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। पहुंच चुका हूं मैं घाट पर यहां पर, और यहां पर अभी जो सरयू नदी है ना वो काफ़ी फ्लो में है, काफ़ी ऊंचाई पर है, क्योंकि भाई बरसात का मौसम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो थोड़ी उफान पे तो रहेंगी ही। बाय द वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, जो भी लोग फैमिली के साथ आते हैं या फिर मेरे पेरेंट्स जैसे कि जिनको चलने में तकलीफ़ है, मेरे मम्मी को चलने में तकलीफ़ है तो वो यहाँ तक नहीं आ सकती थी, तो जो पेरेंट्स के साथ हैं व्हील चेयर आप अगर रखें तो बहुत बेटर होगा यहाँ अयोध्या में घूमने के लिए, क्योंकि हर जगह ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर आपके पेरेंट्स या मम्मी पापा किसी को भी चलने में तकलीफ है तो। यहाँ पर घाट से ढलती हुई शाम को भी देखना एक नए दिन के उदय होने जैसा होता है, क्योंकि आरती देखने के लिए भक्तों की आवाजाही इस टाइम और बढ़ जाती है। क्वा सूर्य प्रभवो मतः क्वा चाल्प विषया मति, सरयू की महिमा ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से गाने में जब असमर्थ हो गए तो उन्होंने आयुर्वेदिक महापुराण में कहा कि तदा ननम मृत्यु सुरभि क्षिति सुरो, 14 कोष के अंदर माँ सरयू की मिट्टी को जो भी जीव स्पर्श कर लेता है वह समस्त दुखों से निवृत्त होकर के भगवान श्री राम के परम चरणारविंद को प्राप्त करता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आरती शुरू होने में वक्त था, और ऐसे में जब आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ समय बिताते हैं तो ये जिंदगी का सबसे यूजफुल टाइम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही मोमेंट्स फ्यूचर में याद करके खुशी होती है। राम की पैड़ी कुछ ऐसी जगह है कि वाइब आती है अंदर से। यहाँ पर मैं जब भी आया हूँ यहाँ पर पानी का जो लेवल रहा है हमेशा से इतना ही रहा है, इससे ऊपर भी नहीं आते हुए कभी देखा है,
बढ़ता होगा बट मैंने तो कभी नहीं देखा। और सच में जब आप यहाँ पे फैमिली के साथ बैठते हैं और ये जो हवा चलती है ना, मतलब एक स्पिरिचुअल हवा चलती है, आध्यात्मिक हवा चलती है और बस लगता है कि बहते रहो इसमें कुछ ऐसा है। लोग नहाते भी हैं यहाँ पर, तो स्नान भी कर सकते हैं सरयू जी के इस पावन जल में, तो वो भी सौभाग्य मिलता है। लेकिन फिलहाल अभी देखेंगे आरती और फिर देखेंगे यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो। घाट पर आरती यहाँ गर्मियों में लगभग 6:45 पर शुरू होती है, तो विंटर में लगभग 5:30 के आसपास। लेकिन आरती के घंटे डेढ़ घंटे पहले ही आप आकर यहाँ जगह बना लें, क्योंकि बाद में भीड़ काफी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद होने वाले साउंड एंड लाइट शो में जब अयोध्या की पुरानी दीवारों पर राम कथा चलती है, तो मानो लगता है कि आपका प्रवेश ही उस युग में हो गया हो। राम राज्य में धर्म अपने चरम पर है। कोई दुखी नहीं, दीन नहीं, दरिद्र नहीं, क्योंकि राम राज्य में अपराध नहीं है। एक व्यक्ति का संबंध कैसे होना चाहिए, उसको श्री राम ने अपने आचरण से भारत और पूरी मनुष्यता के लिए परिभाषित किया। ये शो लगभग आधे घंटे का होता है और इसके बाद फाउंटेन्स के चलने के साथ ही एंड होता है। अयोध्या जी में अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और कंफर्ट के साथ थोड़ा दर्शन करना चाहते हो, होटल अलग से बुक करना, ट्रांसपोर्टेशन अलग से, ये सब चीज़ नहीं करना चाहते हो, तो आपको पैकेज ले लेना चाहिए, क्योंकि पैकेज में आपको काफ़ी कंफर्ट हो जाता है और फैमिली के साथ तो स्पेशली। तो पैकेज के लिए रिलायबल ट्रैवल एजेंट ढूंढ रहे हो आप, तो महाराजा ट्रैवल से आप बुकिंग करवा सकते हो, जो कि आपकी सारी अरेंजमेंट यहाँ पे करवा देंगे, पूरी आइटनरी बना के दे देंगे और बहुत ही आसानी से आपका यहाँ पे सारा काम हो जाएगा, होटल वगैरह भी, और पैकेज भी काफ़ी अच्छे जेन्यून प्राइस में मिल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे रखी है, कॉन्टैक्ट करें और पैकेज बुक करें और कम्फर्ट के साथ अयोध्या जी के दर्शन करें। आरती के बाद जब आप वीणा चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं रामकथा पार्क के पास, या फिर कह सकते हैं रामकथा संग्रहालय भी यहीं पर है। तो यहाँ पर आपको ढेरों ऐसी, जो मेरे पीछे एक पेंटिंग दिख रही होगी और इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ऐसी बहुत सारी आपको यहाँ पर, ये पूरी एक तरह से प्रदर्शनी कह सकते हैं, लगी हुई है। मतलब शाम के समय आप वीणा चौक से पैदल पैदल आते जाओ और इन पिक्चर्स को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ो और फिर उसके बाद ही रिक्शा करके आप अपने होटल वगैरह जा सकते हो। तो इसका भी अपना ही आनंद है यहाँ पर, मतलब रात का भी शाम का भी यहाँ पर आनंद है अयोध्या में विचरण करने का। यही पास में ही अयोध्या हाट भी बनाई गई है और शाम को यहाँ पर कुछ खाते पीते भी वक्त बिताया जा सकता है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30 और अब निकल रहे हैं राम मंदिर के लिए, तो श्री राम जन्मभूमि पे करेंगे दर्शन और देखते हैं कितना समय लगता है और पेरेंट्स वगैरह के लिए क्या सुविधाएं हैं, अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। चलते हैं, जय श्री राम। अयोध्या धाम का रंग रूप पिछले 1-2 सालों में पूरा ही बदल चुका है और श्री राम मंदिर के पट भक्तों के लिए खुलने के बाद से ही यहाँ भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, इसलिए ट्रैफिक और पार्किंग यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। अपनी इस ट्रिप पर आने से पहले मैंने अपनी कार में मैपल्स का डैश कैम कार आई इंस्टॉल करवाया। अब इसकी वजह से अपनी कार इतनी सिक्योर हो गई है कि कोई टेंशन ही नहीं होती है, क्योंकि कार अब अपने मोबाइल में ही होती है। कार आई मैपल्स ऐप के साथ पेयर्ड होता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब मैं रोड ट्रिप्स पर होता हूँ तो मेरे घर वालों को कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि घर बैठे वो ऐप पर मेरी कार की लाइव वीडियो देख सकते हैं और मेरे साथ वो भी इन सुंदर नज़ारों के मज़े ले सकते हैं, क्योंकि ये डैश कैम लाइव वीडियो दिखाता है और कार के अंदर क्या हो रहा है या फिर बाहर क्या हो रहा है सब पता चल जाता है, और इसका कैमरा बोथ साइड पूरी ट्रिप के दौरान रिकॉर्ड करता रहता है।
और बस यही नहीं, अब रोड ट्रिप्स पर जैसे ही कार स्टार्ट होती है इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ओवर स्पीडिंग होती है तो नोटिफिकेशन आ जाती है, कार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड नोट हो जाता है कि कितनी चली, कहाँ रुकी, कितनी देर रुकी, कहाँ से कहाँ तक चली, इवन 10-10 सेकंड का पूरा रूट का रिकॉर्ड आपको मैपल्स ऐप पर मिल जाता है। इंस्टॉलेशन की कोई टेंशन भी नहीं होती है क्योंकि टेक्नीशियन आ जाता है तो A to Z इंस्टॉल करके और आपको पूरा गाइडेंस भी दे देता है। तो आपकी कार के लिए बहुत ही परफेक्ट वाला डैश कैम होगा। और अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो mapplesgadget.com की वेबसाइट से या फिर Amazon की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको बाई कर सकते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि यहां पर आपको पार्किंग करनी पड़ेगी अपनी कार से अगर आप आ रहे हैं तो। जो मेन गेट पे है वहां पर जैसे इवनिंग वगैरह में तो छोड़ देते हैं, इवनिंग में रास्ते नहीं बंद करते हैं, लेकिन अभी रास्ता बंद कर दिया गया है। एक पार्किंग मेन रोड पे है, दूसरी पार्किंग यहाँ मंदिर के पीछे साइड में है। और यहाँ से अब ऑप्शन आपके पास होता है कि आप ई रिक्शा से मेन मंदिर के गेट तक पहुँचें। तो ई रिक्शा वाले से बात हुई है, 100 रुपीज़ ये लेंगे और हमें पहुँचाएंगे। तो चलते हैं और आगे का प्रोसीजर देखते हैं। थोड़ा जब फैमिली के साथ आते हैं ना तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ लड़के रहते हैं जैसे मैं सोलो करता हूँ तब तो हो जाता है, पर फैमिली के साथ आपको ये सब थोड़ी सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। बाकी अपनी ई रिक्शा रेडी है। यहाँ पार्किंग के लिए आपको 4-व्हीलर के 24 घंटे के 100 रुपए देने होते हैं। पार्किंग की लोकेशन गूगल मैप पर ढूंढना थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्किंग लोकेशन की लिंक दे दी है। तो अपनी जो कार है वो पार्किंग में खड़ी हुई है और यहाँ पर ये मैपल ऐप पर ये प्रॉपर इसकी लोकेशन वगैरह सब दिख रही है, पता चल रहा है कि यहीं पर खड़ी है। इसमें कोई मतलब अगर ये स्टार्ट भी होती है तब भी पता चलेगा, टर्न ऑफ होती है तो भी पता चल जाएगा। तो ऐप के थ्रू मतलब कार हमने जेब में है। मंदिर से लगभग 50 मीटर पहले ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पर आने के बाद आपको पैदल ही चलना पड़ता है। हालांकि थोड़ा पता किया तो जानकारी मिली कि मंदिर के ठीक सामने से ये बैटरी ऑपरेटर व्हीकल आपको कुछ लोकेशंस के लिए पिक और ड्रॉप की सुविधा देते हैं। ये फ्री सर्विस होती है, पेड़ है? नहीं सर, पेड़ है सर। कितना देना होता है? आप यहाँ से सरयू घाट तक जाएंगे 20 रुपीज़। और इधर भी ले जाते हैं दूसरे साइड भी? ना इधर सर, वहाँ तक जाए टेढ़ी बाजार तक, रेलवे स्टेशन तक जाए। अच्छा जी। उसका भी 20 रुपए है? जी जी सर, आप चाहे जहाँ इधर जाएंगे वहाँ लास्ट स्टॉप तक 20 रुपए और उधर जाएंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट बसेस भी यहाँ अंदर तक आती हैं। अयोध्या जी में आने का जो बेस्ट टाइम है वो आपके लिए हो सकता है यहाँ पर आने वाले मंथ्स में। आने वाले मंथ्स हैं यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पे गर्मी वगैरह बढ़ जाती है, तो बेहतर यही है कि आप इन मंथ्स को चूज़ करें। हालाँकि थोड़ी भीड़ भाड़ वगैरह मिलेगी, बट ठीक है, दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा तो ये काम करना ही पड़ेगा, भीड़ का तो हिस्सा बनना पड़ेगा। बाकी गर्मी में अगर आते हैं आप जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी मैं आया हूँ, इस टाइम भीड़ कम मिलती है लेकिन थोड़ी सी गर्मी रहती है। हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है। अयोध्या में होटल्स की काफ़ी कमी है और अभी यहाँ आपको बिल्कुल नॉर्मल से 2 या 3 स्टार होटल्स भी 2 से 4 हज़ार में नॉर्मल डेज में मिलते हैं। लेकिन कुछ प्लेसेस पर आपको नॉर्मल हो या पीक सीजन एक ही रेट में सस्ते रूम्स मिल जाते हैं। अयोध्या में जो होटल वगैरह मिलते हैं यहाँ पर अभी काफ़ी कॉस्टली वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको कम प्राइस में चाहिए और डिसेंट रूम वगैरह चाहिए तो यहाँ पर मंदिर के मतलब जो मेन गेट है उसके ठीक सामने ही बिरला धर्मशाला है, अगर आपको ये बिल्डिंग दिख रही हो तो यहाँ पर जो आपको रूम मिलते हैं नॉन AC 750 रुपीज़ में और AC 1250 रुपये में मिल जाते हैं 2 एडल्ट्स के लिए। पर नाइट का ये चार्ज है, लेकिन यहाँ पर भी जो बुकिंग वगैरह जनरली फुल रहती है, लेकिन ख़ास बात ये है इसकी कोई ऑनलाइन नहीं होती है। तो यहाँ पर आप 11 बजे या 10 बजे के आसपास में आएँ और उसी टाइम यहाँ पर आके पता कर लें रूम वगैरह का अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि चेकआउट उसी टाइम लोग करते हैं तो अवेलेबिलिटी होती है तो आपको मिल जाएगा रूम। तो ये आपके लिए काफ़ी सस्ता ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। ये मंदिर के ठीक सामने भी है तो कन्वीनियंट भी है, मतलब जाना दर्शन करना भी यहाँ से। मंदिर के आसपास 1000 से 1500 रुपए में कुछ होम स्टे भी हैं जिनमें ज़्यादातर आपको ऑफलाइन ही मिलते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के कुछ स्टे ढूंढ रहे हैं तो UPSTDC की वेबसाइट से रूम बुक कर सकते हैं।
जो 1200 से स्टार्ट होकर 2200 रुपए पर नाइट टू एडल्ट्स के मिलते हैं, लेकिन एडवांस में ही बुक करके रखें, अदरवाइज रूम अवेलेबल नहीं होते। श्री राम मंदिर के मेन गेट पर आते ही आपको कई सारे काउंटर्स मिल जाते हैं और यहीं पर आपकी दर्शन से रिलेटेड सारी समस्याओं का हल भी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मेरे जैसे लोग जो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं या फिर आ रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं साथ में, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर व्हीलचेयर की सुविधा है। व्हीलचेयर कैसे मिलती है? व्हीलचेयर के लिए ये लाइन आप देख रहे होंगे, लाइन लगी हुई है। लाइन इसलिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पर होते हैं साथ में जाते हैं वो लिमिटेड हैं। व्हीलचेयर तो हैं बट हेल्पर लिमिटेड हैं, तो जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है जो व्हीलचेयर होती है। जो इसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है 150 रुपीज़ आपको देनी पड़ती है और एक हेल्पर साथ में मिल जाता है। और अगर आप साथ में हैं, जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे भी साथ में जाने को मिल जाएगा, तो पर पर्सन के साथ में एक जो भी साथ का बंदा होगा वो भी जा सकता है, तो ये सुविधा मिल जाती है। व्हीलचेयर लेने के लिए व्हीलचेयर पर बैठने वाले पर्सन का आधार कार्ड होना ज़रूरी है और दर्शन कराने के बाद ही आपको हेल्पर को पेमेंट देना होता है। कहाँ से आ रहे हो आप? कानपुर से। पहले भी आप आए हो? यहाँ नहीं आए, पहली बार। दर्शन हो गए या नहीं? दर्शन अभी नहीं हुए। अभी नहीं हुए। कैसा अभी तक यहाँ पे अरेंजमेंट लगा? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और इतने कम टाइम में बहुत अच्छा वो कराया है। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर के मेन गेट से जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर ये काउंटर पड़ता है, ये है यहाँ पर तीर्थयात्री सेवा केंद्र। और यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती है, क्या क्या मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपका जो मोबाइल कैमरा ये सब होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, घड़ी, ये सब अलाउ नहीं होता है अंदर, तो आपको यहीं पे डिपॉजिट करना पड़ता है। और एकदम बिल्कुल लास्ट वाला काउंटर जो है उधर, वहाँ पे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। फ्री है, कुछ भी उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा आपको, आप इजली बस दे सकते हैं, जितने भी मोबाइल हैं, जितने भी कैमरा है सब। सेकेंड जो है इधर काउंटर, एक है डोनेशन काउंटर, वहाँ पे आपको कुछ डोनेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इवन मैंने एक देखा कि घड़ी लोग डोनेट कर रहे थे, वो भी हो रहा था, मतलब पैसे के अलावा भी। और एक जो काउंटर यहाँ पर है वो है अगर आपको आरती का दर्शन करना है, मतलब आरती के टाइम में जाना है, तो उसके लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आकर जब तक सीट्स अवेलेबल रहेगी तब तक आपको मिलेगी, लिमिटेड होती है उतनी मिल जाएगी। फिर उसके बाद एक और है यहाँ पर सुगम दर्शन के लिए, तो सुगम दर्शन भी अगर आप जल्दी करना चाहते हैं दर्शन, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लाइन लग के और वो पर्ची कटवा सकते हैं। अल्टीमेटली किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, सब चीज़ फ्री है। वीआईपी दर्शन या सुगम दर्शन उन्हें ही सजेस्ट किया जाता है जो चलने में सक्षम नहीं है या फिर आपको प्रॉब्लम है, बुज़ुर्ग हैं साथ में, तो वो वीआईपी दर्शन का लाभ उठाएं। अयोध्या धाम में मैं फैमिली के साथ आया था और काफ़ी सर्च करने के बाद यहाँ पर मुझे फैमिली के साथ रहने लायक एक परफेक्ट होटल भी मिल गया। तो अयोध्या धाम में जो अपना रूम है होटल का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी आपको लग्जरी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी दिखेगी और मतलब रॉयल वाला फील देगी। यहाँ की पेंटिंग्स हो, चाहे यहाँ का डेकोरेशन हो, बिल्डिंग हो, वो पूरा एकदम मतलब लग्जरी के साथ आपको रॉयल फील देती है। बालकनी भी है यहाँ पर और बढ़िया यहाँ पे वॉशरूम भी है, एयर कंडीशन तो रूम है ही। तो ये है यहाँ का कामय होटल एंड रिजॉर्ट, कोहिनूर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप अयोध्या धाम में प्लान बना रहे हैं और फैमिली के साथ स्पेशली बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको तो रुकना बनता है। इस रूम की जो कॉस्टिंग है मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो बुक किया है वो 4500 के आसपास में किया है, लेकिन ये ऑफ सीज़न अभी चल रहा है, अदरवाइज़ ये शायद अगर आपको 4000 से लेके 8000 रुपये तक भी पड़ सकता है। बाकी मील्स वगैरह जो होंगे, ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो जाता है, बाकी मील्स वगैरह जैसे जैसे अगर डिनर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसके अलग चार्ज होते हैं, बट जो भी आप बुक करेंगे ना आपके लिए वो वर्थफुल होगा, यानी कि पूरा पैसा वसूल होगा। अयोध्या धाम में घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा सोर्स यहाँ पर ई रिक्शा ही है, जो मिनिमम 10 से 20 रुपए के फेयर में आपको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा देते हैं। मंदिर के इनॉग्रेशन के ठीक पहले आया था तो यहाँ पर उतने रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर कई सारे नए नए रेस्टोरेंट खुल गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो प्राइसेस वगैरह हैं वो भी काफ़ी जेन्यून यहाँ पर मिल जा रही है,
और अभी भी कई सारे यहाँ पर फूड शॉप्स वगैरह ओपन हो रहे हैं। बाकी भीड़ भाड़ देखो भाई, आज सैटरडे का दिन है और देखा जाए अभी सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न है, सितंबर का टाइम है, लेकिन भाई भीड़ भाड़ तो है। जब भी आओ आप, मेरा रिकमेंडेशन है सुबह सुबह दर्शन करो, सबसे बढ़िया रहता है, सुबह सुबह भीड़ आपको कम मिलेगी। दर्शन हो गए? दर्शन हो गया, हम सुबह में हम लोग कर लिए हैं, फिर अभी वेट कर, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। अच्छा। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत खूबसूरत। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 1.25 घंटा पूरा टोटली एकदम से आराम से गए, अपना सामान रख के सब कुछ करके, बड़ा अच्छा 1.25 घंटा में एकदम से बढ़िया से एकदम। अच्छा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो फैमिली के साथ है? हाँ, माता पिता और हमारी वाइफ भी आई हैं। तो पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम आई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आराम से साथ में जाके एकदम बढ़िया से, साथ में ही जाके कोई दिक्कत नहीं हुआ एकदम से। चलिए बढ़िया, जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ी देर के बाद ही राम जी का बुलावा आ गया था, क्योंकि व्हील चेयर मिल चुकी थी और मेन गेट से मेन राम मंदिर की दूरी लगभग 0.5 किलोमीटर है, जहां अंदर ही जूते चप्पल उतारने की सुविधा है। सुबह सुबह दर्शन करना सबसे आसान होता है, क्योंकि उस वक्त सबसे कम भीड़ होती है, इसलिए सुबह 7 बजे ही मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा भीड़ बढ़ती जाती है। मंदिर में कोई फूल माला या प्रसाद नहीं चढ़ता, तो आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं होती, और रामलला के दर्शन के बाद आपको मंदिर की तरफ से ही प्रसाद भी मिल जाता है। तो मम्मी पापा बताएंगे कैसा रहा अभी तक का सफर, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद, मजा आ गया। तो आप लोग की एज वाले अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं, व्हील चेयर है, उससे आराम से जाना और आना हो जाता है, दर्शन एकदम सामने से दर्शन हो जाता है, बहुत अच्छा। समय मिलता है दर्शन के लिए? बस तुरंत दर्शन करके। रामलला के अपने दर्शन हो गए हैं और दर्शन बहुत खूब हुए हैं, बहुत बढ़िया से हुए हैं, और स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ आना चाहते हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनको लेकर आएं, आपका दर्शन और भी आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मतलब और आपको सुविधाएँ मिल जाएंगी। तो मैं पूरा आपको विस्तारपूर्वक बता देता हूँ दर्शन कैसे हुआ। यहाँ पर जो मेरे पीछे की ये देख रहे होंगे आप, दरकटिंग है, ये स्पेशली व्हील चेयर के लिए है। सबसे पहले यहीं से व्हील चेयर जाती है अंदर, और थोड़ा दूर चलने के बाद वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, खाली होती है, मतलब एकदम अलग चेकिंग बना हुआ है उनके लिए, वो चेकिंग होती है। देन उसके बाद आपका नाम, जो आपके साथ हेल्पर है उसका नाम वगैरह एंट्री करते हैं, और फिर आप पहुंच जाते हैं मेन कॉम्प्लेक्स में, वहाँ जूते चप्पल आपको उतारना होता है, और फिर लास्ट में ले जाते हैं रामलला के दर्शन कराने के लिए। और जो बाकी लोग लाइन में लगते रहते हैं, उससे बगल में एक लाइन लगती है जो छोटी सी व्हील चेयर वालों की होती है, और वो फिर दर्शन कराते हैं। दर्शन इतने आराम से कराते हैं, मतलब कि थोड़ी लाइन लगी होती है तो मैं तो मना रहा था कि लाइन और लगी रहे, उससे फ़ायदा ये होता है कि लाइन बिल्कुल सीधे में है और रामलला बिल्कुल सामने दिखते रहते हैं, और पूरा एकदम बढ़िया क्या रूप है। और जो छोटी मूर्ति उनकी थी ना, जो पहले जब ये राम मंदिर की स्थापना जब तक नहीं हुई थी, जो राम जी हमारे रहते थे यही पास में ही, तो वो वाली मूर्ति भी वहाँ पे छोटे रामलला की भी हमारे रखी हुई है। तो बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, और मैं कहूँगा आ रहे हैं तो फैमिली के साथ आएँ, और आराम से। मैं डर रहा था कि यहाँ पे जब आऊँगा फैमिली के साथ, मैं फर्स्ट टाइम मतलब इस तरह से मम्मी पापा के साथ ट्रैवल किया, और लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा दर्शन और कोई उनको तकलीफ़ ना हो, मेन कंसर्न तो वही था, लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं हुई, स्पेशली राम मंदिर को लेके। बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें एक बार तो ठीक है, मेन तो यहाँ पे राम मंदिर के लिए आते हैं। अब हनुमानगढ़ी जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो मेरी मदर चढ़ नहीं सकती हैं, इसलिए वहाँ पे बाहर से ही दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे राम मंदिर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ आपके दर्शन होंगे। हालांकि आपका बजट कम है तो आप अयोध्या में रुकना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर केवल होटल ही सबसे खर्चीला होता है। आप सुबह सुबह 7 बजे आकर राम मंदिर में दर्शन करें, फिर पास में ही हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन जाएं। ज्यादातर मंदिर दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच बंद होते हैं, तो इस दौरान खाएं पिएं और थोड़ा सा रेस्ट करें, और शाम को राम की पैड़ी पर जाएं, जहां घाट पर आरती और लाइट एंड साउंड शो देख के वापस जा सकते हैं।
हालांकि फैमिली के साथ आ रहे हैं तो एक दिन का स्टे करके आप आराम से सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। होटल लेते हैं तो अयोध्या घूमने में आपका एक पर्सन पर 2,500 से 3,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। लेकिन होटल नहीं लेते तो शायद आप 1,000 रुपए से कम में ही यहाँ पर घूम सकते हैं। तो आइए यहाँ पर और समय बिताइए और करिए राम लला के दर्शन। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।